हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धार्थ जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम द राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ यूनिट 4। इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट। ओके, इन दिस प्रीवियस लेक्चर ऑफ दिस यूनिट वी अंडरस्टूड अबाउट द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फॉर द सिविल इंजीनियरिंग पर्पज, और वी कैन से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पजेज। ओके, वी ऑल्सो अंडरस्टूड अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड द बेसिक्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड द टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द डिफरेंट पर्पजेस। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट इन दिस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्पैक्शन बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट। ओके, द कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट। ओके, सो वॉट इज द कॉम्पैक्शन? बेसिकली कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस of increasing the density of soil. Soil की density बढ़ाने के जो तरीका होता है उसको compaction बोलते हैं। अब वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम, लेकिन हमको soil की density बढ़ानी है। Okay, but in the construction industry we use the construction equipment because we use the large scale compaction. हमको अपने construction industry में, construction project में बहुत बड़ा area लेना होता है जिसकी हमें कॉम्पैक्शन करनी होती है, या बोल सकते हैं बहुत सारी सॉइल होती है जिसकी हमें कॉम्पैक्शन करनी होती है। ओके, लेकिन हर सॉइल भी अलग अलग तरीके की होती है, बहुत टाइप की सॉइल होती है, तो हमको हर तरीके की सॉइल के लिए किसी एक पर्टिकुलर टाइप का कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू यूज द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट फॉर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। बेसिकली कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट हमको ग्रेनुलर सॉइल और वी कैन से दैट नॉन कोहेसिव सॉइल और द कोहेसिव सॉइल को डिवाइड करते हैं। सो हम वन बाय वन करके अलग अलग तरीके के कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट इज अ नॉर्मल स्मूथ व्हील्ड रोलर। व्हाट इज अ स्मूथ व्हील्ड रोलर? इट इज अ सिंपल रोलर विच हैज अ स्मूथ व्हील। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द वेट ऑफ द स्मूथ व्हील द कॉम्पैक्शन विल अकर। ओके, this is the simple diagram of picture of a smooth wheel roller. This is a drum which is used for the compaction of a soil. Okay, basically यही drum होता है, ये पहिया होता है जिसके कारण हमको किसी soil की compaction कर सकते हैं। Now ये smooth wheel roller which used for the granular type of soil like a sand, gravel and the crushed stone. We cannot use this type of wheel roll for a cohesive type of soil, because if we use this roller for the cohesive type of soil, it will create a simple layer of a compaction. Means अगर हम इस तरीके के roller को simple non cohesive soil, sorry cohesive type of soil में use करते हैं, तो only एक layer, एक पतली सी layer किसी soil की compact होगी, उसके नीचे की layer compact नहीं हो पाएगी। This is a major drawback of this roller for the cohesive soil. Okay, this roller can be classified on the basis of the size of the roller and the weight of the wheel, this wheel. Okay, अगर हमें कोई major construction में compaction करना है तो हमको बड़े तरीके या बड़ा equipment लेना पड़ेगा, बड़ा smooth wheel roller लेना पड़ेगा, और as well as उसकी जो weight है, wheel roller लेना पड़ेगा, और उसका जो वेट है, वेट भी हमें ड्रम का जो वेट है वो भी ज्यादा रखना पड़ेगा, वेट हाई। ओके 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 ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्मूथ व्हील रोलर। बेसिकली इट कैन यूज फॉर द सिंपल नॉन कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल लाइक अ ग्रेनुलर सॉइल, और वी कैन से लाइक अ सैंड, ग्रेवल एंड द क्रस्ट स्टोन। इट कैन नॉट बी यूज फॉर द cohesive soil because it can create only a thin layer, only a compacting thin layer on the rest of the soil. वो soil हमारी uncompacted रह जाएगी। Now the second type of the roller is a C-footed roller. What is a C-footed roller? Basically roller which has some foots, or we can say roller which has some corrugation, so it can create a compaction up to a particular depth. So basically this type of roller is used for the cohesive type of soil also, because now we see the picture of this roller. This is a typical picture of this roller, and these are called, this corrugation are called as a foot. Basically
यही जो फोट होते हैं, यही यही कॉगुलेशन होती है, जो बेसिकली किसी कॉम्पैक्शन किसी सॉइल की डीपली तक जाती है, किसी कॉल की डेप्थ तक जाती है, और उस पर्टिकुलर डेप्थ तक उस सॉइल को कॉम्पैक्शन देती है। ओके, हमारा मेजर ड्रॉबैक क्या था कोहेजन सॉइल का, कि बेसिकली उसमें अगर कोहेजन कर उसके में अगर कॉम्पैक्शन करते हैं तो ऊपर की लेयर ही कॉम्पैक्ट होती, नीचे की लेयर नहीं हो पाती थी। बट विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ रोलर वी कैन क्रिएट अ कॉम्पैक्शन अप टू अ पर्टिकुलर डेप्थ इन अ कोहेजन टाइप ऑफ सॉइल। इस तरीके के जो रोलर है उसकी मदद से हम इस फुट जो सी दिस दिस इज कॉल्ड एज फुट, दिस इज कॉल्ड एज ए फुट। सो डेप्थ ऑफ द फुट वी कैन क्रिएट अ कॉम्पैक्शन अप टू अ डेप्थ ऑफ अ फुट ऑफ द डेप्थ ऑफ दैट फुट। अगर इस फुट की जितनी डेप्थ होगी उतने डेप्थ तक हम किसी भी सॉइल में कॉम्पैक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके ओके इसके नीचे नहीं कर सकते। अगर हमको लार्जर डेप्थ तक ज्यादा डेप्थ तक किसी सॉइल को कॉम्पैक्शन करना है सो वी हैव टू इंक्रीज द विड्थ, वी हैव टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस फुट। ओके नाउ अनदर थिंग्स आर दीज आर ऑल्सो दिस रोलर ऑल्सो प्रेजेंट एज अ वेट और द साइज ऑफ द रोलर। ओके ये हमको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अब हमें ये अलग तरीके किस तरीके पर आ जाते हैं, ये अगर हम वेट के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, और हम साइज के बेसिस पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और कि हम ये जो फुट है ये सी फुटेड रोलर का जो फुट है ये अलग अलग तरीके के होते हैं। इन दिस पिक्चर द फुट इज द शेप ऑफ अ टैपर टाइप ऑफ शेप। व्हाट इज अ टैपर टाइप ऑफ शेप, बेसिकली द विड्थ ऑफ अ फुट इज लाइक दिस एंड इट गोज डाउन डिक्रीजिंग विद द लेंथ ऑफ द फुट। ओके हमारे पास ये लेंथ है और इसकी विड्थ अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग होती है, दिस इज बी वन दिस इज बी टू, सो अलग अलग होती है, इट कैन बी अपोजिट ऑल्सो। ओके बट दिस टाइप ऑफ फुट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। ओके इट कैन ऑल्सो बी अ रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ शेप और इट कैन ऑल्सो बी एस टाइप ऑफ शेप, दिस टाइप ऑफ शेप। बेसिकली द मेन पर्पज ऑफ दिस फुट इज अ प्रोड्यूस अ कोहेजन सॉरी प्रोड्यूस अ कॉम्पैक्शन इन अ कोहेजिव टाइप ऑफ सॉइल ऑल्सो एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल ऑल्सो। बट इन विद दिस रोलर वी कैन नॉट प्रोड्यूस और वी कैन नॉट बी प्रोड्यूस फॉर अ नॉर्मल टाइप ऑफ सॉइल और वी कैन से नॉन कोहेजिव टाइप ऑफ सॉइल, बिकॉज इफ यू प्रोड्यूस अ कॉम्पैक्शन विद दिस इफ यू यूज दिस मशीन फॉर द कॉम्पैक्शन ऑफ अ नॉन कोहेजिव टाइप ऑफ सॉइल इट कैन क्रिएट अ डिस्टर्बिंग। ओके basically it cannot create a compaction that particular type of soil, it can create a disturbing, ye soil ko disturb kar degi, khad degi, tarike compact nahi kar payegi. For the so we have to use for the this type of roller we have to use for the cohesive type of soil, and a non cohesive type of soil we have to use the roller normal smooth wheel roller. Okay this is the second type of roller. Now the third type of roller is a pneumatic tire roller. What is a pneumatic tire? Basically tire, simple rubber tire, but it has a major number of tires. This is a simple picture of a pneumatic tire roller. These type of roller is used for the simple job in which our depth of a soil is small. इस तरीके की जॉब हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास जो डेप्थ ऑफ अ सॉइल हम कॉम्पैक्शन से करना है उस सॉइल के, उस सॉइल की जो डेप्थ है वो स्मॉल हो, छोटी हो, बेसिकली लेयर्स में कर रहे हैं कहीं पर कॉम्पैक्शन तो वहां पर कर सकते हैं। जस्ट लाइक वी कैन के सब ग्रेड ऑफ अ सॉइल और वी कैन से सब ग्रेड ऑफ अ पेवमेंट एयर फील्ड बेस ऑफ द अर्थ फील्ड डैम एटसेट्रा, इन दिस टाइप ऑफ जॉब वी कैन यूज द न्यूमेटिक टाइप ऑफ रोलर। ओके दिस हैव अ स्मॉल एंड लार्ज टायर यूनिट एंड इट कैन बी सेल्फ प्रोपोल्ड एंड टोल्ड। व्हाट इज अ सेल्फ प्रोपोल्ड, इट मीन्स इट कैन पुश, बेसिकली हम इसको खुद चला सकते हैं इस पूरे को, या फिर टो कर सकते हैं। टो मीन्स असेंबली, एक मशीन या ट्रैक्टर को या इक्विपमेंट को आगे ला सकते हैं जो इसको खींचेगा। दिस इज अ सिंपल सेल्फ प्रोपोल्ड न्यूमेटिक टाइप ऑफ द रोलर। ओके दिस टाइप ऑफ रोलर बेस्ड ऑन द सेल्फ वेट ऑल्सो, बेसिकली ऑल द टाइप्स ऑफ रोलर विच इज यूज फॉर द सेल्फ वेट, द कॉम्पैक्शन इज रिड्यूस बाय द सेल्फ वेट ऑफ द रोलर और द सेल्फ वेट ऑफ द टायर ऑफ द रोलर। ओके हमें इस तरीके के रोलर में जो जो कॉम्पैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली इस पूरे मशीन का जो वेट होगा वही प्रोड्यूस करता है, या फिर अगर हमारे पास इस टायर का जो वेट होगा वो प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। ओके इन दिस टाइप, बट हम वी कैन सी अनदर टाइप ऑफ इक्विपमेंट
विच प्रोड्यूस या इम्पैक्शन, ओके हम देखेंगे भी थोड़ी देर बाद, ओके दिस टाइप ऑफ रोलर आर प्रेजेंट इन अ वेरी वेर वेरी वेराइटी वेरी लार्ज वेराइटी ऑन द बेसिस ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल. न्यूमेरिकल टायर टायर रोलर आर बेस्ड ऑन द 13.6 टन टू 180 टन. ये हमारे पास जो रोलर है वो 13.6 टन से टू 180 टन तक मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं. इस तरीके के रोलर हमको 13.6 टन से लेके 180 टन तक अवेलेबल होते हैं. सो बेस्ड ऑन द जॉब वी कैन यूज द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर विद बाय कंसीडरिंग द वेट ऑफ द रोलर. ओके अगर हमको पर्टिकुलर छोटी डेप्थ तक एक कंपैक्शन करना है तो हम हल्का रोलर यूज करेंगे. If we use, if we have to use the large or the deeply soil compaction, we have to use the heavy weight roller. Okay, this is the all about the C pneumatic type of the roller. Now the next roller is the impact roller. So, what is the impact roller? Impact means we can understand with the name. Okay, impact means a produce a impact. एक झटका एक धन्यवाद roller. So basically एक झटका दे roller उस तरीके roller को हम बोलते हैं impact roller. These roller are the latest type of roller which is used for the particular different unique type of construction also. ये हम हर तरीके के construction में use नहीं कर सकते. जहाँ पर हमें unique तरीके के construction या अलग तरीके के construction का work use करना होता है वहाँ पर हम impact type of roller का use करते हैं. Now, what is the roller? This type of roller. This is the picture of a simple impact type of roller. This is the tire which produces an impact to the soil, so soil can compact in a different place. Okay. What is this roller? How can, what is the principle behind it? Basically, simple हम बोल सकते हैं triangle type का roller है. इसमें जो tire है, इसमें अगर आगे हम move करते हैं, तो these assembly या these part create an impact on the soil. So the compaction will occur. Okay. अब ये tire होता कैसा है? इस tire के अंदर basically concrete भरा होता है, concrete की assembly होती है. Now उस पर cover कर दिया जाता है इसे steel sheet पर. Okay. This is an impact tire. Impact tire. इसमें क्या होता है? Concrete होती है. With the sheet of iron. Okay. बेसिकली सिंपल तरीके के एक रोलर है जिसमें कॉन्क्रीट फिल होती है और उसमें एक सीट ऑफ रोलर में सीट ऑफ आयरन की सीट चढ़ी होती है जो बेसिकली वेट जो होता है वो कॉन्क्रीट का वेट होता है विच कैन प्रोड्यूस अ इम्पैक्ट टू अ टू द सॉइल. ओके इसीलिए हम इसको बनाते हैं. ओके नाउ अदर थिंग्स. ओके दिस रोलर ऑल्सो दिस टाइप ऑफ रोलर कैन बी कॉम्पैक्टेड द सॉइल अप टू कंसीडरेबल डेप्थ विद अ वाइड रेंज ऑफ सॉइल टाइप. ओके This type of roller can be used for the many types of purpose. Or we can say this type of roller can be used for the many type of compacting for the many type of soils. With the wide range of soil. इस तरीके के हम जो roller है उसको हम बहुत तरीके के soil में use कर सकते हैं जो with soil either be a cohesive or either be a non-cohesive soil. Okay. And it can use for the various depth. Basically ये वाला जो roller है वो हमारी high depth तक produce करता है. हाई डेप्थ कॉम्पैक्शन प्रोड्यूस करता है. हाई डेप्थ कॉम्पैक्शन प्रोड्यूस करता है एंड इट कैन यूज फॉर अ वेरियस रेंज ऑफ द सॉइल. यूज फॉर वेरियस रेंज ऑफ सॉइल. ओके नाउ द अदर टाइप ऑफ रोलर इज अ वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर. दिस इज ऑल्सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो अ न्यू टाइप ऑफ कॉम्पैक्टर. न्यू टाइप ऑफ न्यू जनरेशन टाइप ऑफ कॉम्पैक्टर विच इज यूज फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. ओके द वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर हैव एन एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस विच हैव स्टैटिक फोर्स एज वेल एज अ डायनेमिक फोर्स. ओके द वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर. ओके सिंपल कॉम्पैक्टर बेसिकली एक सिंपल कॉम्पैक्टर है हमारे पास जो बेसिकली सिंपल तरीके से किसी मटेरियल को कॉम्पैक्ट कर रहा है. बट व्हेन वी यूज द एक्स्ट्रा कॉम्पैक्शन वी यूज अ वाइब्रेटर.
इनबिल्ड इन अ कॉम्पैक्टर, इट कैन वाइब्रेट शेक अ टायर ऑफ अ शेक द टायर ऑफ द कॉम्पैक्टर एंड इट कैन रिड्यूस द एक्स्ट्रा वाइब्रेशन ऑफ वी कैन से द डायनामिक वाइब्रेशन टू द सॉइल। ओके, सिंपल 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 तरीके से। तो ये अगर नॉर्मल तरीके, हम इस तरीके के वाइब्रेटर का यूज हर इस तरीके कॉम्पैक्टर हर तरीके कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल हमारे पास एक ये सी फुटेड रोलर है, नॉर्मल तरीके से सी फुटेड रोलर है, इसके इसके साथ एक ऐसी असेंबली जॉइन कर दी जो इसको वाइब्रेट करे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉर्मल जो सी फुटेड रोलर है एक तरीके की कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट करेगा, बट नाउ वी हैव टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा कॉम्पैक्शन टू द सॉइल। नाउ द वाइब्रेटर इज ऑन एंड सो द होल असेंबली विल वाइब्रेट एंड द कॉम्पैक्शन विल गोज अप टू अ लार्ज डिस्टेंस और अ डीपली टू द सॉइल। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज यूज फॉर द बेसिकली इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मेन मेनली इट इज ऑल्सो यूज फॉर द कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल। सो बिकॉज कोहेसिव सॉइल में क्यों करते हैं, हमें कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल के लिए स्पेशल असेंबली क्यों बनानी पड़ी, बिकॉज क्योंकि एक तरीके की हम बोल सकते हैं कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल में एक कोहिजन होता है बिटवीन द पार्टिकल, दो पार्टिकल बीच में कोहिजन होता है। तो कोहिजन होने के कारण जब कॉम्पैक्शन होता है तो दो पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं और वहीं तक कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, नीचे नहीं जा पाते। बट व्हेन वी यूज द वाइब्रेशन, ओके, द जो कोहिजन है हमारे पास वो फिल करेगा। वाइब्रेट होने से क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है सॉइल की इंक्रीज करती है और वी कैन से जो एयर बबल्स होते हैं, जो गैप होता है वो गैप कम होता जाता है, सॉइल के पार्टिकल पास पास आते जाते हैं, तो डेंसिटी विल इंक्रीज और वी कैन से सो ऑल्सो डेंसिटी विल इंक्रीज कॉम्पैक्शन विल अकर। ओके, विद द यूज ऑफ दिस एक्स्ट्रा एबिलिटी ऑफ सॉइल दे कैन प्रोड्यूस एक्सीलेंट डेजर्टिफिकेशन ऑफ द सॉइल सच दैट अ ग्रेवल लिटिल। ओके, इट कैन ऑल्सो यूज फॉर द एक्सीलेंट डेजर्टिफिकेशन फॉर द सॉइल सच ग्रेवल एंड रिलेटिव लार्ज स्टोन। ओके, अलग अलग तरीके स्टोन के लिए हम कर सकते हैं। नाउ there are different types of vibrating compactor. The first one is a vibrating sea foot roller. Now हमने भी जाना था, हमने भी बोल बात की थी कि अगर हम vibrating roller पे sorry एक एक sea foot roller पे एक vibrator use करते हैं तो ये एक तरीके का vibrating roller बन जाएगा जिसको हम extra compaction use कर सकते हैं। Basically ये use होता है, ये basically type है। तो the first type of the vibrating roller is a vibrating sea foot roller. Okay? सिंपल तरीके समझ लिया। इसमें इसका ये काम जो होता है, इसका दो दो काम होगा। पहला काम होगा हमारा सी फुटेड का, सी फुट्स का, ओके, जो कॉम्पैक्शन देगा प्लस वाइब्रेशन जो एक्स्ट्रा कॉम्पैक्शन देगा। Another type of the vibrating compactor is a vibrating steel drum roller. Basically, it is a simple steel drum in which a vibrator is inbuilt. So, it can produce a extra compaction with the use of a vibrator. Okay, simple तरीके से एक drum है, इसमें क्या रहेगा? ये steel drum. हम इसको किससे relate कर सकते हैं? इसको normal tire, it means हम इसको एक स्मूथ व्हील रोलर से कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली इन द स्मूथ व्हील रोलर वी कनेक्ट अ वाइब्रेटर, वी कनेक्ट अ वाइब्रेटर सो इट बिकम अ स्टील ड्रम वाइब्रेटर रोलर। ओके, दिस इज अ स्टील ड्रम व्हिच यूज फॉर कॉम्पैक्शन फॉर द नॉर्मल टाइप ऑफ सॉइल एंड व्हेन वी यूज वी ऑन अ वाइब्रेटर इट यूज फॉर द एक्स्ट्रा वाइब्रेशन, इट कैन यूज फॉर द एक्स्ट्रा कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल। बेसिकली if we use a vibrator with a steel drum, it can also use for the cohesive type of soil also. ठीक है, अगर हमने drum के साथ vibrator भी जोड़ दिया तो ये हमारा cohesive के लिए भी use हो सकता है, cohesive soil के लिए भी use हो सकता है, also use for cohesive soil. Okay, अगर हमारे इस assembly के साथ हमने एक vibrator use कर दिया तो दीज असेंबली विल ऑल्सो यूज फॉर द कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्टर फॉर द कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल ऑल्सो। ओके, नाउ द थर्ड वन इज अ थर्ड टाइप ऑफ वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर। ओके, हम कहां पर थे, स्टील ड्रम प्लस अ वाइब्रेटर इक्विपमेंट।
ओके बेसिकली जनरली बायोमेटर यूज क्या है, कहाँ यूज किया जाता है? बेसिकली हमको बायोमेटर कंक्रीट को वाइब्रेट करने के लिए यूज किया जाता है, कंक्रीट की डेंसिटी, कंक्रीट के अंदर जो पोर्स हैं, जो बबल्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए आता है। तो बेसिकली उस पर्पज को फुलफिल करता है हमारे हमारे रोलर के साथ मिलकर सॉयल में जो बबल्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए। ओके सो हमको अगर एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, वो एक हाई डेप्थ तक कॉम्पैक्शन चाहिए, हाई लेवल तक कॉम्पैक्शन चाहिए, इट मींस देयर दिस विल बी अ मिनिमम मिनिमम एयर बबल्स इन द सॉयल। सो वी विल यूज द वाइब्रेटिंग टाइप ऑफ कॉम्पैक्टर। ओके द थर्ड वन इज अ वाइब्रेटिंग न्यूमेटिक टायर रोलर। बेसिकली सिंपल व्हेन वी कंबाइंड आवर वाइब्रेटर विद अ न्यूमेटिक टायर रोलर सो इट बिकम्स अ वाइब्रेटिंग न्यूमेटिक टायर रोलर। ओके हम इसमें वाइब्रेटर ऐड कर दें। सो इट बिकम वाइब्रेटर टायर सिंपल तरीके से इसका भी यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बेसिकली अगर हम इसको किसी पर्टिकुलर डेप्थ तक यूज कर रहे हैं विद द यूज ऑफ वाइब्रेटर वी कैन यूज हाईली कॉम्पैक्शन। सिंपल तरीके से समझें, अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर डेप्थ है, नॉर्मल तरीके से समझें तो हमारे पास एक पर्टिकुलर डेप्थ है, उसमें अगर केवल न्यूमेटिक टाइप और रोलर का यूज कर रहे हैं हम, तो एक 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 60% तक ये एफिशिएंसी दे रहा है हमारी कॉम्पैक्शन की। बट वेन यू यूज द वाइब्रेटर इट गो इट हम ये मानते हैं लेट से करते लेट मानते हैं 60% दे रहा है। अब इफ यू यूज अ वाइब्रेटर अलॉन्ग विद द न्यूमेटिक टाइप ऑफ रोलर इट कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रोलर। इट मीन्स द एयर बबल गोज डाउन चले जाएंगे, इसकी थिकनेस कम हो जाएगी और कैंसे कॉम्पैक्शन भी हमारे सॉइल का बढ़ जाएगा। ओके दिस इज द न्यूमेटिक टाइप ऑफ रोलर। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ वाइब्रेटिंग रोलर इज अ वाइब्रेटिंग प्लेट्स एंड द स्पूल। बेसिकली इट इज नॉट अ रोलर, इट इज अ सिंपल प्लेट विच कैन वाइब्रेट। ओके और इट इज अ टाइप ऑफ शूज विच कैन बी वियर एंड वाइब्रेट सो सॉइल विल कॉम्पैक्ट गोज डाउन। ओके सिंपल तरीके से प्लेट हमारी, इस पर वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट हमारे पास लगा हुआ है। ओके रोल असेंबली विल वाइब्रेट एंड द सॉइल बिलो दीज प्लेट विल कॉम्पैक्ट एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सॉरी विल कॉम्पैक्ट एंड द एयर बबल गोज खत्म हो जाएंगे, एयर बबल हमारे खत्म हो जाएंगे और नीचे की सॉइल हमारी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। एंड इट कैन ऑल्सो यूज एज अ शूज, हमारे पास शूज है, कुछ जूते पहने हुए हैं तो जूते में वाइब्रेटर यूज किया जाएगा या फिर कोई असेंबली में वाइब्रेटर यूज किया जाएगा, उसकी मदद से हम किसी भी सॉइल को या छोटी जगह के सॉइल को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ओके तो दीज टाइप ऑफ ऑल टाइप ऑफ कॉम्पैक्टर्स दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पैक्टर विच विल स्टडी इन दिस क्लास। नाउ वी जस्ट अ क्विक रिव्यू ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक रिव्यू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड व्हाट द कॉम्पैक्शन, व्हाट इज द कॉम्पैक्शन। बेसिकली कॉम्पैक्शन मींस द इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ सॉइल। व्हाई वी इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉइल, इफ वी इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉइल इट कैन यूज फॉर द हाई लोडिंग हाई बियरिंग कैपेसिटी। बेसिकली वी इंक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी और वी इंक्रीज द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, द एक्स्ट्रा लोड कैन बी पुट ऑन द सॉइल सो द सॉइल कैन बियर अ एक्स्ट्रा लोड ऑन द सॉइल। ओके सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। एंड द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सॉइल सो इन द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वी हैव टू यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पैक्टर। यू कैन नॉट यूज द सिंगल टाइप ऑफ कॉम्पैक्टर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल बिकॉज द नेचर ऑफ द सॉइल आर डिफरेंट सो द वी हैव टू डिफरेंशिएट द नेचर ऑफ वाइब्रेटर ऑल्सो। ओके सॉइल का नेचर अलग अलग होता है, सॉइल कॉम्पैक्ट हो रही है या नहीं हो रही है विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाइब्रेटर, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वन और एक्स्ट्रा टाइप ऑफ वाइब्रेटर विच कैन प्रोड्यूस अ कॉम्पैक्शन ऑन पर्टिकुलर सॉइल। ओके देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्टर, द सम आर इन द क्लास। द फर्स्ट वन इज अ स्मूथ व्हील रोलर, इट इज सिंपल एज स्मूथ व्हील रोलर विच इज यूज फॉर अ कॉम्पैक्शन एंड नॉन कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल बाई ओन वेट। बेसिकली हम इस तरीके का आपने देखा भी होगा, जब पेमेंट डालती है तो पेमेंट की जो कॉम्पैक्शन करना कॉम्पैक्शन के लिए जो रोलर यूज होता है वो यही रोलर यूज होता है। ओके ओके पेमेंट के लिए हमें स्मूथ रोड चाहिए, ऊबड़ खाबड़ तो नहीं चाहिए, स्मूथ चाहिए, तो स्मूथ व्हील रोलर के यूज किया जाएगा। और अगर सॉइल में कॉम्पैक्शन चाहिए, किस तरीके सॉइल में, नॉन कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल में, वी हैव टू यूज द दिस स्मूथ व्हील रोलर ऑल्सो। ओके सिंपल तरीके से असेंबली है, ये एक प्लेट है, तो
तो इस ड्रम के साइज और वेट पर डिपेंड करता है हमारा कॉम्पैक्शन। अगर हमें हाई लेवल कॉम्पैक्शन चाहिए तो इस ड्रम का साइज और ड्रम का वेट इंक्रीज कर देंगे, अगर लोअर लेवल कॉम्पैक्शन चाहिए तो इस ड्रम का साइज और ड्रम का वेट डिक्रीज कर देंगे। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ रोलर इज अ सी फुटेड रोलर। बेसिकली इट हैज अ फुट ऑन द टायर ऑन द रोल विच कैन प्रोड्यूस अ एक्स्ट्रा कॉम्पैक्शन फॉर द कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल। बेसिकली कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल में हम नॉर्मल से कॉम्पैक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उससे प्रोड्यूस करेंगे तो एक ऊपर की लेयर ही कॉम्पैक्ट होगी, नीचे की लेयर नहीं होगी। तो फॉर द दिस टाइप ऑफ सॉइल कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल यूज द सी फुटेड रोलर। तो हमारे पास ये फुट्स हैं, हमारे पास ये कोगुलेशन जो फुट्स हैं, ये फुट्स हमारे एक डीप पेनिट्रेट कर जाते हैं जो एक्स्ट्रा जितने डेप्थ तक सॉइल को कॉम्पैक्शन करते हैं। अगर हमको एक्स्ट्रा मतलब मीन्स हमको ज्यादा डेप्थ तक कॉम्पैक्शन चाहिए तो हमको ज्यादा डेप्थ तक कॉम्पैक्शन चाहिए तो हमको ज्यादा डेप्थ तक इस स्वीप फुटेड को रखना पड़ेगा। ओके, द थर्ड वन इज अ न्यूमेटिक टाइप वी हैव इन विच इट इज जनरली यूज फॉर द सब ग्रिड एयर फील्ड बेस ऑफ द अर्थ फील्ड एंड दिस टाइप्स ऑल्सो इट कैन इट हैव अ लार्ज वेराइटी ऑन द बेसिस ऑफ द वेट ऑफ द रोलर। इट कैन हैव 16.6 टन टू 180 टन वेट। ओके, दिस इज अ सिंपल पिक्चर ऑफ द न्यूमेटिक टाइप ऑफ रोलर। थर्ड वन इज इम्पैक्ट रोलर विच इज यूज फॉर द इम्पैक्ट ऑफ द ऑन द रोलर। ओके, दिस इज अ सिंपल पिक्चर इन विच दिस हाइट और दिस असेंबली विल प्रोड्यूस अ इम्पैक्ट फॉर कॉम्पैक्टिंग द अर्थ ऑफ सॉइल। ओके, अनदर टाइप ऑफ रोलर इज अ बाइपेटिंग कॉम्पैक्टर विच इज यूज बेसिकली इट इज यूज इट इज एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस ऑफ अ डायनेमिक फोर्सेज। ओके, सिंपल अगर हम रोलर को रखते हैं वो एक तरीके से दबाता है, स्टैटिक फोर्स देता है, बट वी हैव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कॉम्पैक्शन सो वी यूज द वाइब्रेटर्स। इट कैन प्रोड्यूस अ एक्स्ट्रा कॉम्पैक्शन बाय रिमूविंग द एयर फ्रॉम द सॉइल। ओके, सिंपल तरीके से दीज हैव आल्सो जनरली फोर टाइप्स ऑफ वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर। फर्स्ट इज द सी फुटेड वाइब्रेटिंग सी फुटेड रोलर, सेकंड इज अ वाइब्रेटिंग स्टील ड्रम रोलर, थर्ड इज अ न्यूमेटिक टाइप ऑफ वाइब्रेटिंग रोलर एंड फोर्थ वन इज अ प्लेट वाइब्रेटिंग प्लेट और सूज। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास एंड थैंक यू।